सभी विद्यार्थियों को नमस्कार, गुड मॉर्निंग। कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान विषय की हम इस जीबी एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर चर्चा कर रहे थे। आज अपना जो सेकंड लेसन है, इसका लास्ट वीडियो है, पार्ट नंबर 6। मतलब कहने का मतलब ये है कि इससे पहले तक इस लेसन के अपने 5 वीडियो बन चुके हैं। लास्ट वीडियो में आज अपन चर्चा करेंगे। देखो, लास्ट जो वीडियो था उसमें अपन बात कर रहे थे राजस्थान के कुछ राजपूत शासकों के बारे में। लास्ट वीडियो में महाराणा प्रताप और चंद्र सेन के बारे में अपनी चर्चा कंप्लीट हो चुकी थी। अब उसके बाद में आता है अपना अगला राजपूत शासक राय सिंह जो कि बीकानेर का शासक था। 1574 ईस्वी से 1612 ईस्वी तक राय सिंह कहाँ का शासक रहा था? बीकानेर का शासक रहा था। अब पहले तो जो अपनी पुस्तक में दे रखा है उसके अकॉर्डिंग अपन राय सिंह के बारे में चर्चा करते हैं। देखो, बीकानेर का एक शासक हुआ करता था, उसका नाम था कल्याणमल। कहाँ का शासक था कल्याणमल? बीकानेर का। कल्याणमल के 2 पुत्र थे, बड़ा पुत्र था राय सिंह और छोटा पुत्र था कौन? पृथ्वीराज राठौड़। अब आपको पता होगा, इसी लेसन में अपने कई बार चर्चा हो चुकी कि 1570 ईस्वी में अकबर ने एक दरबार लगाया था कहाँ पे? नागौर में, जिसे कहते हैं 1570 का नागौर दरबार। ये किसने लगाया था? अकबर ने लगाया था। इस नागौर दरबार में ये बीकानेर का राजा भी उपस्थित होता है और अपने दोनों पुत्रों को भी लेकर जाता है। किस किस को? राय सिंह और पृथ्वीराज राठौड़ को। अब उसके बाद राज सिंह को तो परमानेंट छोड़ देता है किसके पास? है अकबर के पास। अकबर की शरण में रहता है राज सिंह और अकबर के लिए ही काम करना प्रारंभ कर देता है। अब होता है क्या है कि चंद्रसेन वाला वीडियो थोड़ा सा याद करो। चंद्रसेन पर अकबर ने आक्रमण करवाया था और फिर चंद्रसेन वहाँ के से भागकर कहाँ चला गया था? बादरा जून की पहाड़ियों में चला गया था। उस दौरान 2 साल के लिए इस राय सिंह को मारवाड़ का शासक नियुक्त किया जाता है। था तो मारवाड़ का कौन? चंद्रसेन था, लेकिन चंद्रसेन तो भागकर कहाँ चला गया था? बादरा जून की पहाड़ियों में। 2 साल तक ये मारवाड़ का प्रशासक रहा राय सिंह। उसके बाद में जब कल्याणमल की मृत्यु हो गई तो राय सिंह क्या बन गया? बीकानेर का शासक बन गया। ये किताब में इसका छोटा सा परिचय है। जो किताब में दे रखा था वो मैंने आपको बता दिया, लेकिन यहाँ से कोई प्रश्न अपने बोर्ड एग्जाम में नहीं बनता। बोर्ड एग्जाम में जो राय सिंह के बारे में प्रश्न बनता है ना, वो प्रश्न अपन लिखते हैं। ये सन भी याद रखने की आपको आवश्यकता नहीं है। जो प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है वो समझना आप। राय सिंह प्रशस्ति क्या है समझाइए। इस राय सिंह प्रशस्ति के बारे में आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है, तो समझना इसको है क्या। बीकानेर का राजा कौन बन चुका था? राय सिंह, क्योंकि कल्याणमल की तो मृत्यु हो चुकी थी। बीकानेर के शासक राय सिंह ने 1589 से 1594 तक 1589 से 1594 ईस्वी तक अपने प्रधानमंत्री, राय सिंह का प्रधानमंत्री कौन था? उसका नाम था करमचंद पंवार। क्या नाम था? करमचंद पंवार की देखरेख में बीकानेर में कौन सा दुर्ग बनवाया? जूनागढ़ दुर्ग बनवाया। इस दुर्ग में लिखी गई प्रशस्ति को ही हम लोग क्या कहते हैं? राय सिंह प्रशस्ति कहते हैं। यह आपको याद रखना है। अब समझना, बीकानेर का शासक कौन था? राय सिंह था। और राय सिंह का प्रधानमंत्री कौन था? करमचंद पंवार था। तो राय सिंह ने बीकानेर में अपने प्रधानमंत्री करमचंद पंवार की देखरेख में 1589 से 1594 ईस्वी तक बीकानेर में एक दुर्ग बनवाया। कौन सा? जूनागढ़ दुर्ग बनवाया। इस दुर्ग में लिखी गई प्रशस्ति को ही क्या कहते हैं? राय सिंह प्रशस्ति कहते हैं। देखो, प्रशस्ति क्या होती है? अगर कोई राजा महाराजा की प्रशंसा में कोई लेख लिखा जाए तो उसे प्रशस्ति कहते हैं।
राय सिंह की प्रशंसा में लेख लिखा गया था। प्रशंसा में जो लेख लिखा जाए उसे क्या कहते हैं? प्रशस्ति कहते हैं। तो ये आप राय सिंह प्रशस्ति के बारे में बताओगे। इसे जूनागढ़ प्रशस्ति भी कहते हैं, लेकिन अपने राय सिंह प्रशस्ति इसका नाम दे रखा है। तो केवल एक प्रश्न याद रखना आपको राय सिंह के बारे में। अब राय सिंह के बाद में अगला एक देखो राजपूत शासक आता है, कौन है? जयपुर का सवाई जय सिंह, और एक आता है अमर सिंह राठौड़। तो अमर सिंह राठौड़ के बारे में अपने कोई प्रश्न नहीं बन रहा, अपन चर्चा करेंगे सवाई जय सिंह के बारे में। और अपनी किताब के अभ्यास प्रश्न में भी एक प्रश्न दे रखा है, सवाई जय सिंह के योगदान को स्पष्ट करो। सवाई जय सिंह में अपन यही करेंगे, केवल एक प्रश्न नहीं, सवाई जय सिंह के योगदान को स्पष्ट करो। अब समझना, सवाई जय सिंह जयपुर का शासक था। सवाई जय सिंह का कला और संस्कृति के क्षेत्र में क्या क्या योगदान रहा है? कोई अपने को चार या पांच योगदान सवाई जय सिंह के बताने हैं। तो पहला तो आप बता देना, सवाई जय सिंह ने 1725 ईस्वी में, सन याद रहे तो लिख देना वरना वैसे भी चल जाएगा काम, 1725 ईस्वी में नक्षत्रों की गणना हेतु, मतलब जो ग्रह नक्षत्र वगैरह आते हैं, ग्रह नक्षत्र तारे वगैरह, इनकी गणना हेतु किसका निर्माण किया? शुद्ध सारणी का निर्माण किया, मतलब करवाया। पहला योगदान तो आप ये बताओगे, सवाई जय सिंह ने नक्षत्रों की गणना हेतु शुद्ध सारणी का निर्माण करवाया। दूसरा देखो, ये खुद भी ज्योतिष विद्या का एक बहुत बड़ा विद्वान था। कौन? सवाई जय सिंह। तो ज्योतिष विद्या पर इसने एक किताब भी लिखी थी, सवाई जय सिंह ने ज्योतिष विद्या पर जो किताब लिखी थी उस किताब का नाम भी अपने नाम पर ही क्या लिखा? जय सिंह कारिका। किताब का क्या नाम था? जय सिंह कारिका। तो दूसरा लिखना, इसने ज्योतिष विद्या पर जय सिंह कारिका, ये ग्रंथ का या किताब का नाम हो गया, जय सिंह कारिका नामक ग्रंथ लिखा। दूसरा योगदान आप सवाई जय सिंह का ये बता देना, समझ के बात। तीसरा, इसने पांच वेदशालाएं बनवाई। कितनी वेदशालाएं बनवाई? पांच वेदशालाएं। कहां कहां बनवाई? दो तो आप बहुत आसानी से याद रख लेना, भारत की राजधानी में, राजस्थान की राजधानी में, क्योंकि अपन भारत के रहने वाले भी हैं और भारत में कहां के रहने वाले हैं? राजस्थान के। तो भारत की राजधानी दिल्ली, राजस्थान की राजधानी जयपुर। इसके अलावा दो उत्तर प्रदेश के शहर हैं, बनारस मथुरा, और एक शहर है कौन सा? उज्जैन। टोटल मिलाकर कितने शहर हो गए? पांच। तो इसने सवाई जय सिंह ने पांच वेदशालाएं बनाई, कहां कहां? दिल्ली, जयपुर, बनारस मथुरा और उज्जैन। अब ये जो पांच वेदशालाएं थी, इनमें से सबसे बड़ी वेदशाला कहां की थी? जयपुर वाली वेदशाला सबसे बड़ी थी, और इस वेदशाला को कहते हैं जंतर मंतर। अपन कहते हैं ना कि जंतर मंतर कहाँ है? जयपुर में। वो जंतर मंतर क्या है? सवाई जय सिंह द्वारा बनाई गई वेदशाला को ही क्या कहते हैं? जंतर मंतर कहते हैं। तीसरे पॉइंट में ही लिखना, इसमें सबसे बड़ी वेदशाला, सबसे बड़ी वेदशाला जयपुर वाली है, जिसे जंतर मंतर कहते हैं। क्या कहते हैं? जंतर मंतर कहते हैं, तथा जयपुर वेदशाला को 2010 में यूनेस्को ने विश्व धरोहर सूची में शामिल किया। अब इसका मतलब समझना, देखो विश्व के जो भी महत्वपूर्ण
ऐतिहासिक स्थल और जो सांस्कृतिक स्थल होते हैं ना, उनको पूरे विश्व की धरोहर के रूप में शामिल किया जाता है। विश्व की धरोहर के रूप में शामिल कौन करता है इन स्थानों को? यूनेस्को करता है। तो 2010 में इस जयपुर वेधशाला को भी यूनेस्को ने किस में शामिल कर लिया? विश्व धरोहर सूची में शामिल कर लिया, जो अपने आप में अपने लिए भी, मतलब अपने राजस्थान के इसलिए अपने लिए भी एक गौरव की बात है कि अपने राजस्थान की किसी जगह को यूनेस्को ने विश्व धरोहर सूची में शामिल किया है। तो ये आप तीसरे पॉइंट में उल्लेख करोगे। इसने, मतलब किसने? सवाई जयसिंह ने जयपुर शहर बसाया तथा जयपुर को अपनी राजधानी बनाया। पहले इससे सवाई जयसिंह के पहले तक के जो राजा महाराजा थे उनकी राजधानी हुआ करती थी आमेर। फिर 1727 में इसने क्या किया? सवाई जयसिंह ने जयपुर शहर बसा दिया, जयपुर को ही अपनी क्या बना लिया? राजधानी बनाया। लास्ट एक पॉइंट और अपन चर्चा करेंगे इसमें। देखो, पहले राजा महाराजा क्या करते थे? खुद की शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए अश्वमेघ यज्ञ करवाते थे। अश्वमेघ यज्ञ का मतलब मैंने आपको पहले भी बताया था, समुद्रगुप्त ने भी करवाया था अश्वमेघ यज्ञ। तो अश्वमेघ यज्ञ में क्या होता था? एक घोड़ा छोड़ा जाता था, जिस साम्राज्य तक, मतलब जिन राजा महाराजाओं के साम्राज्य में वो घोड़ा जाता था, वहां तक का साम्राज्य उस राजा के अधीन हो जाता था। तो अश्वमेघ यज्ञ करवाने वाला अंतिम हिंदू शासक कौन था? सवाई जयसिंह। तो लास्ट पॉइंट में अपन ये लिखेंगे, सवाई जयसिंह अंतिम हिंदू शासक था जिसने अश्वमेघ यज्ञ करवाया था। अब अश्वमेघ यज्ञ करवाएगा तो यज्ञ तो कोई ना कोई ब्राह्मण ही करेंगे। अब जो यज्ञ करने वाले ब्राह्मण थे उनके रहने के लिए सवाई जयसिंह ने किनका निर्माण करवाया? जल महलों का निर्माण करवाया, जो आमेर के जस्ट पास में स्थित है, मतलब आमेर में स्थित है वो भी। तो लास्ट पॉइंट, यह अंतिम हिंदू शासक था, अंतिम हिंदू शासक था जिसने अश्वमेघ यज्ञ करवाया, मतलब 1740 में करवाए थे इसने। कौन से यज्ञ? अश्वमेघ यज्ञ करवाए तथा यज्ञ करने वाले ब्राह्मणों, यज्ञ करने वाले ब्राह्मणों के रहने के लिए, रहने के लिए, मैं बोलता जा रहा हूं, अगर नीचे वाला दिखाई ना भी देना तो बोल रहा हूं मैं, ब्राह्मणों के रहने के लिए जल महलों का निर्माण करवाया। जल महलों का निर्माण करवाया। ये हो गया अपने सवाई जयसिंह का योगदान, समझ गए बात। अब देखो, सवाई जयसिंह अपने जो राजस्थान के राजपूत जो भी शासक थे उनके बारे में तो अपनी चर्चा हो चुकी है। एक महाराष्ट्र का एक वीर योद्धा था जिसका नाम था शिवाजी। शिवाजी के बारे में अपनी पुस्तक में और उल्लेख दे रखा है, तो अब अपन शिवाजी की चर्चा कर लेते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट हो चुका है, आप स्क्रीनशॉट ले लेना इसका। अगर अपने से शिवाजी के बारे में कुछ भी पूछा जाए तो अपने को क्या क्या लिखना है? सबसे पहले तो अपन शिवाजी का परिचय देंगे। जन्म कब हुआ था, कहाँ हुआ था, इनके माता पिता का क्या नाम था। तो पहले पॉइंट में तो अपन ये लिखेंगे, शिवाजी का जन्म 20 अप्रैल 1627 में एक दुर्ग था और दुर्ग का क्या नाम था? शिवनेर दुर्ग में हुआ था। जन्म 20 अप्रैल 1627 को कहां हुआ था? शिवनेर दुर्ग में हुआ था। इनके पिता का नाम
साहजी भोंसले, पिता का क्या नाम था? साहजी भोंसले, तथा माता का नाम जीजाबाई था। पिता का नाम साहजी भोंसले था और माता का क्या नाम था? जीजाबाई। अब समझना आगे हुआ क्या था कि इसका जो पिता था साहजी भोंसले, इसने दूसरी शादी कर ली। अब दूसरी शादी करेगा तो बताओ इसकी पहली पत्नी जीजाबाई नाराज होगी कि नहीं होगी? होगी ना। तो साहजी भोंसले ने जब दूसरी शादी कर ली तो जीजाबाई इससे अलग हो गई, अलग रहने लग गई। मतलब जीजाबाई अपने साथ किसको ले गई अलग होके? शिवाजी को ले गई। अब शिवाजी का लालन पालन ये तो कर नहीं पाएगा इसका पिता, तो क्योंकि पिता से तो दोनों माँ बेटे क्या हो गए? अलग हो गए। तब शिवाजी का लालन पालन किया था किसने? एक तो दादाजी कोणदेव ने और एक समर्थ गुरु रामदास ने। तो दूसरे पॉइंट में अपन ये लिखेंगे, शिवाजी का लालन पालन दादाजी कोणदेव। अब ध्यान रखना है शिवाजी के दादाजी नहीं थे, नाम ही क्या है दादाजी कोणदेव, और एक गुरु थे जीजाबाई के, गुरु का नाम था समर्थ गुरु रामदास। इन दोनों ने इसका लालन पालन किया था, दादाजी कोणदेव व समर्थ गुरु रामदास ने किया था। दूसरे पॉइंट में आप ये लिख देना। फिर उसके बाद में जब साहजी भोंसले की मृत्यु होती है, साहजी भोंसले की मृत्यु हुई थी 1656 ईस्वी में। साहजी भोंसले की मृत्यु के बाद जब शिवाजी शासक बनता है, तो शासक बनते ही शिवाजी ने अपनी राजधानी किसको बना लिया? रायगढ़ को अपनी क्या बनाई? राजधानी बनाई। तो तीसरे पॉइंट में अपन सन चाहे आप मत लिखना कि कब शासक बना था, आप ये लिख देना शासक बनने के बाद शिवाजी ने रायगढ़ को अपनी राजधानी बनाया। तीन पॉइंट कंप्लीट, कोई दिक्कत नहीं है। दो पॉइंटों में तो अपन ने इसका परिचय दिया था, जन्म, माता पिता और इसका लालन पालन करने वाले। फिर शासक बनने के बाद इसने रायगढ़ को अपनी क्या बना ली? राजधानी बना ली। चौथा पॉइंट बोर्ड पे लिखता हूं, उसके बाद समझाएंगे तुम्हें चौथा पॉइंट। मुगल शासक औरंगजेब ने शिवाजी के खिलाफ जयसिंह के नेतृत्व में सेना भेजी, जयसिंह के नेतृत्व में सेना भेजी, फिर जून 1665 में शिवाजी व जयसिंह के मध्य पुरंदर की संधि हुई। संधि का नाम ध्यान रखोगे, पुरंदर की संधि हुई, जिसके तहत, एक बार मैं बोर्ड पे लिख देता हूँ ये तीसरा पॉइंट, उसके बाद समझाऊंगा तुम्हें, जिसके तहत क्या क्या हुआ था। शिवाजी ने अपने 35 दुर्गों में से 23 दुर्ग मुगलों को दे दिए। दूसरा, शिवाजी के पुत्र संभाजी को मुगल दरबार में 5000 का मनसबदार बनाया गया। अब समझना इसका पूरे का मतलब। देखो, शिवाजी जब महाराष्ट्र का शासक था, उस समय मुगल शासक था कौन? औरंगजेब। और जो जयपुर का शासक था ना जयसिंह,
लास्ट अपन ने सवाई जयसिंह की चर्चा की थी, वो सवाई जयसिंह अलग है और ये जयसिंह अलग है। यहाँ सवाई जयसिंह मत लिख देना वरना गलत हो जाएगा। महाराष्ट्र का शासक शिवाजी था, मुगल शासक औरंगजेब था और जयपुर का शासक जयसिंह था। तो औरंगजेब और शिवाजी के वैसे भी कम बनती थी, आपस में टकराव ज़्यादा होता था। तो औरंगजेब ने आदेश दिया जयपुर के शासक जयसिंह को कि आप सेना लेकर कहाँ जाओ, शिवाजी के पास जाओ। तो शिवाजी के पास आ गया जयसिंह, फिर दोनों के बीच लड़ाई होने की बजाय एक समझौता हो जाता है, एक संधि हो जाती है किस किस के बीच, जयसिंह और शिवाजी के बीच। और उस संधि का नाम था क्या, पुरंदर की संधि। और ये पुरंदर की संधि होती है जून 1665 में। अब इस संधि के तहत क्या क्या होता है, शिवाजी के पास जो 35 दुर्ग थे उनमें से 23 दुर्ग शिवाजी ने किसको दे दिए, मुगलों को दे दिए। पहला संधि में तो अपन ने ये लिख दिया। दूसरा, जो शिवाजी का पुत्र था संभाजी, उसको मुगल दरबार में क्या दिया गया, 5000 का मनसबदार दिया गया। थोड़ा सा समझ लेना मनसबदार होता है क्या है। देखो, मुगल दरबार में पहले मनसबदार दिए जाते थे, जिसको जितना ज्यादा मनसबदार मिलता था वो उतना ही बड़ा आदमी कहलाता था। अगर किसी को 5000 का मनसबदार दिया जाता था ना, तो उससे जस्ट डबल सैनिक दिए जाते थे। मतलब सैनिक कितने दिए जाते थे, 10,000, उनमें से 5,000 तो घोड़े वाले सैनिक दिए जाते थे, 5,000 पैदल सैनिक दिए जाते थे। समझ गए बात। अगर किसी को 4,000 का मनसबदार दिया जाए तो उसे 8,000 सैनिक दिए जाते थे, 4,000 पैदल सैनिक और 4,000 घुड़सवार वाले सैनिक। समझ गए बात। तो ये फरता क्या कहलाती थी मुगल दरबार में, मनसबदार कहलाती थी। आपसे एक नंबर का भी इस लेसन में क्वेश्चन बनता है, तो पुरंदर की संधि कब हुए, किस किस के मध्य हुई थी, ध्यान रख लेना। एक नंबर का क्वेश्चन ये भी बनता है कि पुरंदर की संधि की दो शर्तें बताइए, तो दो शर्तें ये बता देना आप लोग। समझ गए बात। अब उसके बाद क्या होता है, थोड़ी सी घटना समझना आप लोग। एक तरह से शिवाजी ने मुगलों को 23 दुर्ग दे दिए, खुद के पास केवल 12 दुर्ग बचे। फिर मुगल शासक औरंगजेब ने शिवाजी के साथ गद्दारी कर ली, क्योंकि जब शिवाजी मुगल दरबार में औरंगजेब से मिलने गया तो शिवाजी की वहाँ बहुत ज़्यादा बेइज्जती की, किसने, औरंगजेब ने। और शिवाजी और उसके पुत्र संभाजी दोनों को गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया। शिवाजी और उसका पुत्र संभाजी कैसे तैसे वहाँ से बच के आए, और बच के आने के बाद शिवाजी ने वापस अपनी आक्रामक नीति अपनाई और धीरे 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 सभी दुर्गों पर अपना वापस अधिकार कर लिया। जब शिवाजी ने सभी दुर्गों पर वापस अपना अधिकार कर लिया, उसके बाद शिवाजी ने एक स्वतंत्र शासक के रूप में अपना राज्याभिषेक करवाया। शासक तो शिवाजी पहले ही बन चुका था, तभी तो उसने रायगढ़ को अपनी राजधानी बनाया, लेकिन राज्याभिषेक बाद में करवाया। और राज्याभिषेक करवाया 1676 ईस्वी में, और राज्याभिषेक भी कहाँ करवाया, रायगढ़ दुर्ग में। और जब राज्याभिषेक करवाया तभी शिवाजी ने एक उपाधि धारण की थी, कौन सी, छत्रपति की उपाधि, अपन कहते हैं ना छत्रपति शिवाजी। तो पांचवें पॉइंट में लिखोगे आप, शिवाजी ने 1676 में रायगढ़ दुर्ग में अपना राज्याभिषेक करवाया, राज्याभिषेक करवाया तथा इसी समय कौन सी उपाधि धारण की, छत्रपति की उपाधि, छत्रपति की उपाधि धारण की। तो पांचवें पॉइंट में आप ये लिखोगे, शिवाजी ने 1676 में रायगढ़ दुर्ग में अपना राज्याभिषेक करवाया तथा इसी समय छत्रपति की उपाधि धारण की। लास्ट पॉइंट इसकी मृत्यु के बारे में, 1680 ईस्वी में शिवाजी की मृत्यु हो गई। देखो, या तो शिवाजी के बारे में चार नंबर का आपके क्वेश्चन बनेगा, तब तो आप पूरा लिख देना, और एक एक नंबर के भी बहुत शानदार प्रश्न बनते हैं इसमें तीन पॉइंटों में। एक तो इस पॉइंट में से क्वेश्चन बनता है, शिवाजी का जन्म किस दुर्ग में हुआ था, एक तो ये एक नंबर का प्रश्न बनता है। दूसरा एक नंबर का प्रश्न बनता है ये पुरंदर की संधि के बारे में, या तो पुरंदर की संधि कब हुआ, किस किस के मध्य हुई थी, या फिर पुरंदर की संधि की दो शर्तें,
दो पॉइंटों में, तो इसमें तीसरा एक इस पॉइंट से प्रश्न बनता है, शिवाजी का राज्यभिषेक कहाँ हुआ था, तो कहाँ हुआ था, रायगढ़ दुर्ग में। समझ के बाद ये शिवाजी को लेकर अपनी चर्चा कंप्लीट। इस लेसन के दो प्रश्न और बचे हैं, उसके बाद में अपना लेसन कंप्लीट और लेसन के लास्ट के अपना ब्यास प्रश्न भी देख लेंगे आज वाली वीडियो में। इसके बाद में दे रखा है तुम्हारे विजयनगर साम्राज्य, तो विजयनगर साम्राज्य को भी अपन एक क्वेश्चन के रूप में ही देखेंगे। देखो जहां तक अपने संभव हो कोई पॉइंट क्वेश्चन के रूप में हो जाए ना, तो अपने लिए पढ़ने में भी आसानी रहती है। क्वेश्चन है जो तुम्हारी किताब के लास्ट में ब्यास प्रश्नों में भी दे रखा है, विजयनगर साम्राज्य का परिचय दीजिए। अब सुनना, दक्षिणी भारत में एक नदी है, उस नदी का नाम है तुंगभद्रा नदी। उस तुंगभद्रा नदी के जस्ट किनारे पर यह साम्राज्य स्थापित हुआ था, कौन सा, विजयनगर साम्राज्य। और संगम के पांच पुत्र हुआ करते थे, उन पांच पुत्रों में से हरिहर और बुक्का ने इस साम्राज्य की स्थापना की थी। तो देखना पहला पॉइंट, संगम के पांच पुत्रों में से हरिहर व बुक्का ने तुंगभद्रा नदी के किनारे, तुंगभद्रा लिखा हुआ है वो, तुंगभद्रा नदी के किनारे विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की। अब सबसे पहला तो विजयनगर साम्राज्य में देखो परिचय दे तो अपन ने, एक तो किसने स्थापना की, कहाँ स्थापना की, दूसरा अपन उसमें बात करते हैं कि इसकी राजधानी क्या थी। तो दूसरा, इस साम्राज्य की राजधानी हम्पी थी, मतलब विजयनगर साम्राज्य की राजधानी क्या थी, हम्पी। वर्तमान में भी हम्पी एक बहुत अच्छा पर्यटन स्थल के रूप में कर्नाटक राज्य में पड़ता है, ये हम्पी खंडर के रूप में, लेकिन वो खंडर भी देखने लायक है। तीसरा अपन ये भी लिखेंगे एक पॉइंट कि यह, मतलब विजयनगर साम्राज्य, यह दक्षिणी भारत का सबसे शक्तिशाली साम्राज्य था। यह दक्षिणी भारत का सबसे शक्तिशाली साम्राज्य था, कौन सा, विजयनगर जो था वो दक्षिणी भारत का सबसे शक्तिशाली साम्राज्य था। अब इस साम्राज्य में भी, मतलब विजयनगर साम्राज्य तो था ही शक्तिशाली, लेकिन विजयनगर साम्राज्य का भी सबसे शक्तिशाली शासक कौन था, कृष्ण देव राय। इस साम्राज्य का सबसे शक्तिशाली शासक, सबसे शक्तिशाली शासक कृष्ण देव राय था, जिसके दरबार में, मतलब कृष्ण देव राय के दरबार में आठ कवि रहते थे, अष्टप्रधान भी कहते थे इन आठ कवियों को। क्यों, तो ये विजयनगर साम्राज्य के बारे में अगर आपसे पूछा जाए तो ये छोटा सा परिचय आप चार पॉइंटों में दे देना। समझ गए बात। अब लास्ट में अपने दे रखा है सिख धर्म के बारे में, सिख धर्म में कुल सिखों के 10 गुरु ये थे। अब उनमें से एक एक नंबर का तो जो प्रश्न बनता ना वो अपने अभ्यास प्रश्न में आ जाएगा, और एक प्रश्न आपसे इसमें पूछा जा सकता है सिख धर्म की प्रमुख शिक्षाएं। ये भी बहुत आसान सा प्रश्न है, सिख धर्म की प्रमुख शिक्षाएं, मतलब किन शिक्षाओं में, किन बातों में सिख धर्म विश्वास करता था। तो पहला तो ईश्वर एक है, ये सिख धर्म की प्रमुख शिक्षा है।
मतलब ईश्वर को एक माना गया है, उसके रूप अनेक हो सकते हैं, जैसे बालाजी, कृष्ण जी, श्री राम, ये अलग अलग रूपों में अपन ईश्वर या भगवान को मान सकते हैं, लेकिन है ईश्वर एक ही। तो पहली शिक्षा तो ये हो गई। दूसरा, इस धर्म में गुरु की महानता पर बहुत ज़्यादा बल दिया गया है। गुरु को किसके समान माना गया है? भगवान के समान माना गया है। तो दूसरा पॉइंट लिखेंगे अपन, गुरु की महानता पर बल। तीसरा, इस धर्म में क्या होता है, जो जाति फरता या ऊंच नीच, इसका बताओ समर्थन करेंगे कि विरोध करेंगे? इसका क्या किया गया है? विरोध किया गया है। और सबसे महत्वपूर्ण बात है, सिख धर्म में क्या होता है, कैसे शुरू होने वाली पांच वस्तुएं रखना अनिवार्य माना गया है, कि भाई जो भी सिख धर्म में विश्वास रखेगा वो कैसे शुरू होने वाली ये पांच वस्तुएं रखेगा। कौन कौन सी? सिख धर्म के लोग बाग तो आप लोगों ने देखे ही होंगे, क्या रखते हैं वो? लंबे लंबे केस रखते हैं, लंबे लंबे बाल रखते हैं। तो कैसे शुरू होने वाला पहला तो क्या हो गया? केस। अब केस रखेंगे तो साथ में भाई उनको बांधने के लिए कंघे की आवश्यकता भी पड़ेगी। दूसरा क्या हो गया? कंघा। तीसरा, सिख धर्म के लोग बाग अपने यहां एक रखते हैं, क्या? कृपाण कह दो चाहे कटार कह दो, तो कटार रखते हैं। चौथा, हाथ में क्या रखते हैं? कड़ा। पांचवा, वो क्या पहनते हैं? कच्छा। तो ये कैसे शुरू होने वाली पांच वस्तुएं अनिवार्य रूप से सिख धर्म के लोग रखते हैं। ये हो गई अपने सिख धर्म की शिक्षाएं, और इसी के साथ अपना सेकंड लेसन, जो काफ़ी बड़ा लेसन था, वो भी कंप्लीट हो चुका है। अब इस लेसन में एक छोटी सी चर्चा अपन और करेंगे, क्या, जो अपने अभ्यास प्रश्न जो दे रखे हैं ना लेसन के स्टार्ट में, मैंने आपको बताया था कि इस लेसन से एक तो आएगा चार नंबर का प्रश्न और एक आएगा एक नंबर का प्रश्न। तो चार नंबर के जो भी प्रश्न थे वो तो कंप्लीट हो चुके हैं, एक एक नंबर वाले भी मोस्टली कंप्लीट हो गए, लेकिन अति लघु उत्तरात्मक तुम्हारे 14 प्रश्न दे रखे हैं। लास्ट अपन दो चार मिनट में इन 14 प्रश्नों की चर्चा कर लेते हैं। किताब नहीं भी हो तो मैं क्वेश्चन बोलता हूँ और फिर उसका आंसर बोर्ड पे लिख दूंगा, आप सुनते जाना। जैसे पहला प्रश्न दे रखा है किताब में, गुलाम वंश का अन्य क्या नाम है? क्वेश्चन क्या है? गुलाम वंश का अन्य क्या नाम है? तो गुलाम वंश का अन्य क्या नाम है? यामिनी, और एक नाम और है इलबरी। दूसरा प्रश्न है, रजिया सुल्तान ने याकूत को किस पद पर नियुक्त किया था? देखो ये सारे प्रश्न पहले करवा चुका है वैसे, लेकिन फिर भी अभ्यास प्रश्न देख रहे हैं अपन। दूसरा प्रश्न है, रजिया सुल्तान ने याकूत को किस पद पर नियुक्त किया था? अश्वशाला का प्रधान। तीसरा प्रश्न है, लोहे व रक्त की नीति लागू करने वाला शासक कौन था? तो लोहे व रक्त की नीति करने वाला शासक कौन था? बलबन। चौथा प्रश्न है, बाबरनामा का फारसी में अनुवाद किसने किया था? तो बाबरनामा का फारसी में अनुवाद किसने किया था? अब्दुल रहीम खान खाना। इसने बाबरनामा का क्या किया था? फारसी में अनुवाद। पांचवा प्रश्न है, ग्रैंड ट्रंक रोड किस शासक ने बनवाई थी? तो ग्रैंड ट्रंक रोड किस शासक ने बनवाई थी? शेरशाह सूरी ने। छठवा प्रश्न देखना, छठवा प्रश्न है, पानीपत की दूसरी लड़ाई कब हुई थी? तो पानीपत की दूसरी लड़ाई हुई थी 5 नवंबर 1556। अब यहाँ क्वेश्चन यही दे रखा है, पानीपत की दूसरी लड़ाई कब हुई थी? 5 नवंबर 1556। एग्जाम में पूछा जाएगा तो ये पूछा जाएगा कब हुआ, किस किस के मध्य हुई थी? तो अपन ने पीछे लिख लिया था किस किस के मध्य हुई थी, हेमू और बेरम खां के मध्य। छह प्रश्न कंप्लीट। सातवां प्रश्न देखना, हेमू ने कौन सी उपाधि धारण की थी? हेमू ने कौन सी उपाधि धारण की थी? विक्रमादित्य। हेमू की उपाधि कौन सी थी? विक्रमादित्य की। सात प्रश्न कंप्लीट। आठवां प्रश्न है, विश्व प्रसिद्ध हल्दीघाटी का युद्ध कब हुआ था? तो हल्दीघाटी का युद्ध हुआ था कब? 18 जून 1576 को।
पता तो ही किस किस के मध्य हुआ था, एक तरफ महाराणा प्रताप थे, दूसरी तरफ अकबर की सेना का नेतृत्व तो कौन कर रहा था, मानसिंह। नौवा प्रश्न है, अकबर ने कौन से धर्म का परिवर्तन किया था, मतलब अकबर ने कौन सा धर्म चलाया था, तो अकबर ने कौन सा धर्म चलाया था, दीन ए इलाही। अकबर द्वारा चलाया गया धर्म था कौन सा, दीन ए इलाही। दसवां प्रश्न देखना, बहमनी साम्राज्य का संस्थापक कौन था, तो बहमनी साम्राज्य का संस्थापक था कौन, हसन खां मेवाती। ग्यारहवां प्रश्न है, अकाल तख्त का निर्माण सिखों के कौन से गुरु ने करवाया था, दोबारा सुनना, अकाल तख्त का निर्माण सिखों के कौन से गुरु ने करवाया था, तो उस गुरु का नाम था गुरु हर गोविंद। अकाल तख्त का निर्माण करवाने वाले कौन थे, गुरु हर गोविंद। बारहवां प्रश्न है, शिवाजी का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था, अभी चर्चा की थी शिवाजी का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था, रायगढ़ दुर्ग में। तेरहवां प्रश्न है, हमीर देव चौहान कहाँ का शासक था, हमीर देव चौहान कहाँ का शासक था, रणथंबोर का, जिसने अलाउद्दीन खिलजी के साथ क्या किया था, युद्ध किया था। चौदहवां प्रश्न है, अमर सिंह का फाटक कहाँ पर है, तो अमर सिंह का फाटक है दिल्ली के लाल किले में। ये अपने जो अति लघुतरात्मक अभ्यास प्रश्न थे वो कंप्लीट, और इसी के साथ अपना सेकंड लेसन भी कंप्लीट। लेसन जो मैं आपको करवा रहा हूँ, इसके अलावा किताब में आपको कहीं से भी एक प्रश्न भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। बोर्ड परीक्षा का पैटर्न कैसा आता है, बोर्ड परीक्षा में कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं, उनको ध्यान में रखते हुए मैं आपको यहाँ प्रश्न करवा रहा हूँ। अब शायद 10वीं क्लास की एग्जाम होगी जो अभी वाली 30 जून वाली, उससे पहले तक तो शायद कोई वीडियो डल नहीं पाएंगे, क्योंकि आज जो मैं ये वीडियो बना रहा हूँ दूसरे लेसन का लास्ट वीडियो, इसके बाद में केवल एक दिन का गैप है, उसके बाद में 10वीं क्लास की एग्जाम। तो 10वीं क्लास की जो फिलहाल एग्जाम दे रहे हैं उन सभी बच्चों को मेरी तरफ से बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएँ, और आपको बेस्ट ऑफ लक, बहुत बढ़िया तरीके से पेपर देना, कोई पर्सन आपको छोड़ना है नहीं, क्वेश्चन आपको चाहे आए चाहे नहीं आए, फिर भी अटेंड सारे पर्सन करने, पहले आप लोग वो पर्सन करना, जैसे आपके 30 पर्सन आए उनमें से पहले आपको वो पर्सन करने हैं जो आपको बहुत अच्छे तरीके से आते हों। तो ये तो 10th क्लास का जो अभी पेपर दे रहे हैं उनके लिए, और 9th क्लास वालों के लिए, 9th क्लास वाले 10th में हो चुके हैं वो भी, अब बहुत अच्छे तरीके से अपनी तैयारी जारी रखना, छुट्टियों छुट्टियों में अपने को ये सामाजिक कंप्लीट करनी है। चलो फिर नेक्स्ट लेसन में, तीसरे लेसन में अपन मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद जय भारत।